जो परीक्षा हुई है, हम लोगों ने भी जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया है उनसे भी अनुरोध किया है, डिपार्टमेंट परीक्षा नहीं कमीशन कराता, तो उसमें जो परीक्षा की गई हमें उम्मीद है कि हमें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अब तक लिए आपने जो पूर्व में भी जो परीक्षाएं हुई हैं उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि उसमें कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है और ना ही किसी तरह का आरोप लगे हैं। तो ये तो आरोप लगाना कि वहाँ गड़बड़ी हो रही है। आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग है या पति पत्नी है या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें, और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, एक सप्ताह दो सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे, इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। करीब करीब ये कभी कहीं कहीं परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं, उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके, तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयां होती हैं, जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पज़ यह है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं सरकारी स्कूल में बच्चे हैं तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए, तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा, इस वजह से हम लोग रियासत सर शिक्षा के नास्तिकगंज। देखिए जो परीक्षा हुई है हम लोगों ने भी जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया है उनसे भी अनुरोध किया है, डिपार्टमेंट परीक्षा नहीं कमीशन कराता, तो उसमें जो परीक्षा की गई हमें उम्मीद है कि हमें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अब तक लिए आपने जो पूर्व में भी जो परीक्षाएं हुई हैं उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि उसमें कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है और ना ही किसी तरह का आरोप लगे हैं। तो ये तो आरोप लगाना कि वहाँ गड़बड़ी हो रही है मेरे ख्याल से बेबुनियाद बातें हैं, और हम लोगों ने भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उसको प्रकाशन कर दें ताकि वो लोग आ सकें। ठीक है, गिरने से मौत हो गई थी जिसके बाद कई शिक्षक अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, हमारे लिए सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। देखिए हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी हैं और अपने जहाँ जो जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि पटना ज़िले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिए हैं, तो वो सभी जिला जो अधिकारी हैं वो स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमिटी होती है उसके वो अध्यक्ष होते हैं, तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी
स्कूल को बंद कर देंगे। सर एक सवाल ये है सर, जो आपके रात्रि प्रहरी हैं उनका लंबे समय से मांग रहा हूँ सर, कुछ पेमेंट अटका हुआ है 10 महीने से पेमेंट लगभग अटका हुआ है, वो कुछ कई विद्यालयों में इसका समाधान निकल गया, लेकिन कुछ विद्यालयों में बात सही है कि पेमेंट की समस्या है। आज भी कुछ लोग आए थे हमारे पास, तो उसका हम लोग समाधान एक सप्ताह के अंदर कर देंगे। देखिए हम लोगों ने, आप सभी को हमारा नमस्कार, शिक्षा विभाग ने जितने भी सक्षमता में जो पास किया है उन्होंने सबसे पिटिशन्स इनवाइट किए, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बहुत से महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या खबरों में आगे भी है बहुत कुछ, तब तक देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज।